आप में से बहुत से लोगों ने ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि कोरोना वायरस गर्म टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता और जैसे ही गर्मियां आएंगी ये अपने आप ही दुनिया से गायब हो जाएगा। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया था, हालांकि उन्होंने कहा नहीं कि ऐसा होगा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लोगों के दिमाग में ये थ्योरी आ कहाँ से गई होगी। मे बी उन्होंने सीजनल फ्लू के बारे में सोचा होगा, क्योंकि वो सर्दियों में ज़्यादा आता है और उसके बाद में गर्मियों में अपने आप ही गायब हो जाता है। या फिर उन्होंने 2002 के सार्स के बारे में सोचा होगा, जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रम भी कहा जाता है, जो कि 2002 के नवंबर महीने में शुरू हुआ था और इसके बाद में 2003 के जुलाई में ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर ये लिस्ट है इन इन कंट्री में ये फैला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गर्मी की वजह से रुक गया था कि एकदम से जुलाई का महीना आ गया तो और इस वायरस ने कहा कि चलो गर्मी लग रही है अब तो मैं मर ही जाता हूं। ऐसा नहीं था, इसको बहुत तेजी के साथ में कंटेन किया गया था। काफी सारे इंटेंसिव एफर्ट लगाए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को पहले ही अवेयर कर दिया गया था, तब जाके इसको कंटेन किया गया था। और 2004 में जाके कोई भी केस नहीं आया था ट्रांसमिशन का, और तब जाके कह दिया गया था कि हां हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करोगे आप कोरोना वायरस के बारे में तो ये बिल्कुल ही नया वायरस है इंसान के लिए। हालांकि सार्स से इसके डीएनए काफ़ी हद तक मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये वही सेम वायरस है। ये बिल्कुल ही अलग वायरस है जिसके लिए एक नई वैक्सीनेशन तैयार करनी पड़ेगी। हालाँकि सार्स के लिए भी कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं की गई थी, किसी तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया गया था क्योंकि लोगों में फैलने नहीं दिया गया था। लेकिन कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो ये सारी दुनिया में इतनी तेजी से फैला है कि किसी को मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, और कोई सोच ही नहीं पाया ये हो क्या रहा है। और जब तक एक्शन लिए जाते तब तक ये लोकल लोगों में फैल चुका था और वो एक दूसरे को स्प्रेड करने में लग गए थे, जिसकी वजह से कई कंट्रीज की हालत आप अपने सामने देख ही रहे होंगे कि कैसी हो चुकी है। अब यहीं पर कुछ लोग इस बात का काउंटर अफ्रीकन कंट्रीज का हवाला देते हुए भी कर रहे हैं कि अगर अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ देखा जाए तो ये वायरस इतना ज्यादा फैला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने इतने ज्यादा टेस्ट किए भी नहीं है, और इसी के साथ साथ वहाँ के टूरिस्ट चाइना जाते भी नहीं है, या फिर चाइनीज़ टूरिस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में आते भी नहीं है। उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन होती है इटली, न्यूयॉर्क, या फिर वो कई जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर जाया करते हैं, ना कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा जाया करते हैं। हाँ, अगर वहाँ पर रिसर्च वगैरह की बात की जाए या फिर कुछ और चीज़ों की बात की जाए तो हाँ, चाइनीज़ ऑफिशियल ज़रूर जाते हैं, ना कि नॉर्मल चाइनीज़ टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि इतने ज़्यादा टेस्ट हो भी नहीं रहे हैं, और इसी के साथ साथ बहुत कम जो उनके वहां पे पॉजिटिव पाए गए हैं उसी के बाद में उन्होंने लॉकडाउन कर दिए अपनी कंट्रीज, और कई जगहों पर उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया है। यहीं पर हार्वर्ड के एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कि वेदर से इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर कोई रीजन ठंडा है तो कोई रीजन गर्म है। तो यहां पर अगर इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं तो दुनिया के एक पार्ट में तो यह वायरस इसी तरीके से चलता ही रहेगा। तो यहां पर असल इंपैक्ट तो इस दुनिया के लोग ही पहुंचाने वाले हैं, जो है अपने घर में बैठकर सेल्फ आइसोलेशन करके, क्योंकि अगर इसी तरीके से ये वायरस स्प्रेड होता रहा ह्यूमन टू ह्यूमन तो ये रुकने वाला तो कहीं भी नहीं है। और इसको अगर रोकना है तो वो इंसानों को ही रोकना पड़ेगा, ना कि किसी वेदर को आके रोकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वार्म वेदर थोड़ा सा मदद जरूर कर सकता है एयरबोर्न इन्फेक्शन को स्लो करने में। दरअसल कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति जब छींकता है या फिर खांसता है तो उसके मुंह से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकलते हैं, तो वो ह्यूमिड कंडीशन में, क्योंकि वार्म वेदर में ह्यूमिड कंडीशन भी होती है, जहां पर मॉइस्चर इन ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करके हैवी कर देगा, जिसकी वजह से ये अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे और दूरी तक ट्रेवल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जहां पर ये ड्रॉपलेट गिरे हुए हैं उनकी जितनी लाइफ स्पैन है उतनी तो ये जिएंगे ही, जैसे कि आपको बताया था मैंने कल की वीडियो में। और यहीं पर सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज डायनामिक्स और इसी के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन का मानना है कि ये सारी चीज़ें दरअसल तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सिर्फ वेदर आपको नहीं बचाने वाला, दरअसल यहाँ पर एनवायरनमेंट, ह्यूमन बिहेवियर और इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि सर्दियों में आप इतनी ज़्यादा शायद धूप ना लेते हो, जिसकी वजह से आपका विटामिन डी कम हो जाता है, और विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी भी कम हो जाता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। क्योंकि सर्दियों के वक्त में ज्यादातर लोग सिट्रस फ्रूट नहीं खाते हैं, जिनमें भर भर के विटामिन सी होता है, और इसकी वजह से होता
होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है सर्दियों के वक्त में, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड भी हमको इम्पैक्ट पहुंचा देता है, और यहाँ पर तो कोरोना वायरस की बात हो रही है। और यहीं पर अगर ह्यूमन बिहेवियर की बात की जाए तो सर्दी और एक्सट्रीम गर्मियों के वक्त में हम इतने ज़्यादा बाहर निकलते भी नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होने वाले वायरस भी हमको इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से वेदर का नाम यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि गर्मियों के वक्त में आप इतना ज़्यादा बाहर निकलोगे नहीं और सर्दियों के वक्त में लोग इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, जब ज़्यादा ठंड होती है तो घर पर ही रहना प्रेफर करते हैं। तो इसी की वजह से वेदर का नाम आ रहा था कि जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है ये कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें क्या आती हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर। तो यहाँ पर इसी वजह से ह्यूमन बिहेवियर को इसी वक्त में चेंज करने के लिए ये लॉकडाउन, ये कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन कम हो और ये जो डिजीज़ है और ना फैले। सो आई होप गाइज ये पूरी थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी कि किस तरीके से नॉर्मल व्यक्ति सोचता है और किस तरीके से एक्सपर्ट सोचता है और किस तरीके से व्हाट्सएप पे इसको ऐसे ही फैला दिया जाता है मुंह उठा के। सो फिलहाल के लिए घर पे ही रहो, अपनी फैमिली के साथ में टाइम को एंजॉय करो, ना कि बीमारी को, क्योंकि अगर आप बाहर चले गए तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे, और अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो पूरी फैमिली को इन्फेक्टेड कर दोगे। अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और इसी तरीके से आप इस बीमारी को इस दुनिया से ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान का काम नहीं है, इसमें करोड़ों अरबों लोगों को शामिल होना पड़ेगा, तब जाके ये बीमारी इस दुनिया से ख़त्म होगी। किसने सोचा था कि ये टाइम भी हमें अपनी ज़िंदगी में देखना पड़ेगा, लेकिन अगर देखना पड़ रहा है तो साथ दो और इस बीमारी को ख़त्म कर दो।